शाओलिन कुंगफू चाइना का पॉपुलर स्पोर्ट, जिनके फाउंडर थे एक इंडियन बोधिधर्मन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की रक्षा करने में और लोगों को कुंगफू सिखाने में निकाल दिया। यहाँ तक कि चाइना में बोधिधर्मन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आई एम लकी दैट आज मुझे माइनक्राफ्ट में एज अ बोधिधर्मन खेलने का मौका मिला। आज के इस वीडियो में मुझे सर्वाइव करना है 100 डेज एज अ बोधिधर्मन, और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि उनके उद्देश्य को पूरा भी करना है। दूसरी दुनिया के बॉस स्लज ने इस दुनिया के लोगों को परेशान करके रखा है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। तो मुझे दूसरी दुनिया में जाके उस बॉस को मारना है। और सबको पता है कि जब बात इंसानियत की आती है तो किसी भी मॉन्क के लिए ह्यूमैनिटी कम्स अबव ऑल। एक पावरफुल मॉन्क बनने के लिए मुझे कुछ कला सीखनी थी, कुछ ऐसी कला जिसे सीखते सीखते शायद मेरी जान भी जा सकती थी। हवा, पानी, आग, जमीन, पहाड़, इन सबको कंट्रोल में लाने के लिए सबसे लड़ना था मुझे। जैसे जैसे एक एक कला सीखता जाऊंगा, रास्ते और भी मुश्किल होने वाले थे। तो सबसे पहली परीक्षा थी मेरी वुड काटने की, वो भी अपने हाथों से। तो मुझे 5 वुड काटने थे ताकि मेरे हाथ थोड़े और मजबूत हो सके। जैसे ही मैं 5 वुड काटता हूँ, मैं मॉन्क लेवल 1 पर पहुंच जाता हूँ और मेरे हाथों में थोड़ी सी मजबूती महसूस होने लगती है। उसके बाद मैं अगला लेवल अनलॉक करने जा रहा था कि मुझे रास्ते में एक गांव मिलता है। वैसे भी बहुत ज़रूरत थी, खाना भी नहीं था ना सोने के लिए बेड, तो यहाँ से मदद हो सकती थी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, भगवान के आदमी थे, मुझे बेड लेने दिया, उसके अलावा कुछ आयरन दिए और तो और खेती करने भी लगा दिया, पर खाने को मिल गया। वो सब लेके मैं जाता हूँ ऊंचे पहाड़ पर मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन ये मेडिटेशन मुझे करना था सनसेट या फिर सनराइज के समय। पर मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तब सनसेट हो चुका था, तो मुझे अब सनराइज़ का इंतज़ार करना था। और मैं सो भी नहीं सकता था क्योंकि सो गया तो सनराइज़ निकल जाएगा, इसलिए पूरी रात जगता हूँ। लेकिन तभी मेरे सामने आता है एक बदमाश मानूस, जिसको बहुत समझाया कि सब काम छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, लेकिन नहीं मानता, तो मजबूरी में मुझे उससे मारना पड़ता है। उसके बाद फाइनली सनराइज होता है और मैं अपना मेडिटेशन चालू करता हूँ। वैसे तो मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं, लेकिन इस मेडिटेशन से मेरा हंगर बार 50% स्लो हो चुका था, मतलब मेरा भूख पर काबू हो चुका था। उसके बाद मुझे पानी में डुबकी लगानी थी, मुझे कुछ सेकंड्स तक पानी में रहना था, और थोड़े ही टाइम में मैं ये क्लास सीख जाता हूँ। अब मैं पानी में बिना मरे ज़्यादा टाइम तक रह सकता था। फिर अगला काम करना था अपनी मजबूती पर, मतलब कि सिर्फ हाथों से 5 पत्थरों को तोड़ना था। यह मुश्किल तो था, लेकिन उससे पहले मुझे खाने की ज़रूरत थी। हाँ, भूख पर तो कंट्रोल था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि खाना ही छोड़ देना है। तो मैं पहले कोई विलेज को ढूंढने निकलता हूँ, और थोड़ा आगे जाते ही मुझे दूर एक विलेज दिखाई देता है। मैं उस विलेज में जाता हूँ और विलेजर से बात करता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने इन लोगों की पूरी जमीन मांग ली हो। तभी ख्याल आता है कि शायद मेरे पास भी मेरा कोई प्लॉट होता। उस टाइम तो नहीं था, लेकिन अब है। आसोबू लेकर आया है एक ऐसा सर्वर जिसमें आप अपना प्लॉट क्लेम कर सकते हो, और उस प्लॉट पर ना कोई आपके बनाए हुए घर को तोड़ सकता है, ना ही आपकी चेस्ट ओपन कर सकता है, और ना ही आपका सामान ले सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस सर्वर में मोबाइल, जावा, बेडरॉक, हर किस्म के प्लेयर एक साथ खेलते हैं। तो सर्वर को ज्वाइन करने के लिए बस आपको माइनक्राफ्ट के मल्टीप्लेयर में आना है और सर्वर एड्रेस डालना है, जो कि है sif.asobu.tech। सर्वर में आने के बाद जैसे ही मेरा रेफर कोड स्टेलबर्ग डालोगे, आपको एक नेदराइट का हो मिलेगा और बेड मिलेगा। इस हो की मदद से आप आसानी से कोई भी प्लॉट क्लेम कर सकते हो। मेरा रेफर कोड यूज करने वाले पहले 100 बंदों को मिलेगा 20 प्लॉट्स क्लेम करने का मौका, 100 से 1000 बंदों को मिलेगा 15 प्लॉट्स, एंड सो ऑन। इसके अलावा आसोबू जल्दी अपना ऐप लॉन्च करने वाला है, जिसमें आप फ्यूचर में अपने प्लॉट को बेच भी सकते हो, और फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी आने वाले हैं, जिसमें आप कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। ऐप रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप आसोबू के डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर मैं वहीं से कुछ व्हीट और कैरेट्स ले लेता हूँ, क्या करें, नुबड़ों ने प्लॉट जो क्लेम नहीं किया था। इसके अलावा एक चीज में से मुझे कुछ और ब्रेड मिल जाते हैं। फिर मैं आता हूँ हाथों से पत्थर तोड़ने, मुझे हाथों में बहुत चोट लग रही थी लेकिन फिर भी मैं तोड़ता हूँ। और जैसे ही 5वां पत्थर तोड़ता हूँ, मैं मॉन्क लेवल 4 पर आ जाता हूँ, मेरे में और ताकत आ चुकी थी। लेकिन ये ताकत किसी निर्बल या बेजुबान प्राणी पर निकालने के लिए नहीं थी। सबको पता है मॉन्क पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं, और यही था मेरा अगला काम, 20 एनिमल्स को टेम करना। इन सबको टेम करते करते मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। सबको टेम करने के बाद मुझे काम करना था अपनी स्पीड पर, मुझे 200 ब्लॉक्स तक स्पीड में दौड़ना था। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं मैं अपनी स्पीड में दौड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन कोशिश करने से सब हो जाता है। आखिरकार मेरा कार्य हो जाता है और मैं पहुँच जाता हूँ मॉन्क लेवल 6 पर। अब मैं बहुत स्पीड से दौड़ सकता था, इवन इतनी स्पीड हो गई थी कि मेरा खुद का कंट्रोल नहीं हो रहा था, पर धीरे धीरे वो भी सीख जाता हूँ। उसके बाद अगली परीक्षा थी कुछ बदमाश मानुसों को मारने की,
अभी मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे भी मार खाना पड़ता है, लेकिन एक एक करके इन लोगों को मारना चालू रखता हूँ। 20 बदमाशों को मारता ही मैं पहुंच जाता हूँ मॉन्क लेवल 7 पर। अब मेरे हाथों का डैमेज बढ़ चुका था। उसके बाद अगला कार्य करना था इन कंकालों के किए गए वार से बचने का। कभी कभी मैं इसमें असफल हो जाता था, लेकिन थोड़े समय बाद वो कार्य भी पूर्ण हो जाता है। अब मैं इस जगह पे पहुंच गया था कि ये कंकाल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अगली सुबह मैं एक गुफा में जाता हूँ लोहा तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा अगला कार्य था 5 लोहे के ब्लॉक को अपने हाथों से तोड़ना। लोहे को तोड़ना इतना आसान नहीं था, और आसान होता तो मैं इतना शक्तिशाली नहीं बनता। मैं एक एक करके 5 ब्लॉक को तोड़ता हूँ, और अब मेरे पास लोहे जितनी ताकत आ चुकी थी। मैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी तोड़ सकता था। उसके बाद फिर से समय आता है मेडिटेशन का, लेकिन इस बार समंदर के बीच में जाके मेडिटेशन करना था। मैं अपनी बोट लेके समंदर के बीच आता हूँ, लेकिन यह मेडिटेशन चांद को देख के करना था, इसलिए वहीं पर रात होने का इंतज़ार करता हूँ। रात होते ही मेरा मेडिटेशन चालू होता है, और यह मेडिटेशन बहुत पावरफुल था। मेडिटेशन पूरा होते ही मुझे पानी पर चलने की पावर मिल गई थी। अब मैं पानी पर भी स्पीड से चल सकता था। फिर मैं अगला लेवल अनलॉक करने के लिए निकलता हूँ, तो वापस एक गाँव में आ पहुँचता हूँ, और ये गाँव देखने में ही काफ़ी अमीर लग रहा था। गांव के पास जाते ही अपने आप मेरा कार्य होने लगा। मुझे एंडरमैन से शिक्षा लेनी थी टेलीपोर्ट होने की। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ ही नीचे गुफा में एंडरमैन था। कार्य पूरा होते ही मुझे टेलीपोर्ट की पावर मिल जाती है। फिर मैं गांव में जाता हूँ, और ये लोग भी मुझे खेती करने लगा देते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ आलू, ब्रेड और एप्पल मिल जाते हैं। अब वक्त आ गया था अग्नि परीक्षा देने का। मुझे कुछ ब्लॉक्स पर आग लगानी थी, और उन ब्लॉक्स पर चलना था। मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरा लेवल तो नहीं बढ़ा, ऊपर से मुझे ही आग लग गई और बुझ भी नहीं रही थी, तो मैं जल्दी से पानी में कूद जाता हूँ। यहाँ पर मैं मरते मरते बचा था। फिर मैं एक और प्रयास करता हूँ, और इस बार थोड़े ज़्यादा ब्लॉक पर आग लगाता हूँ, और थोड़ा बहुत चलने पर ही मेरी अग्नि परीक्षा सफल हो जाती है। अब मुझे 50% फायर रेजिस्टेंस मिल चुका था। इसका मतलब कि अब मुझे नॉर्मल के मुकाबले आग में थोड़ा कम डैमेज मिलेगा। अब मैं धीरे धीरे पावरफुल बनता जा रहा था। मुझे अगला लेवल अनलॉक करने के लिए कुछ ऑब्सीडियन को अपने हाथों से तोड़ना था। मैं ऑब्सीडियन तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं तोड़ ही देता हूँ। और अब मैं मॉन्क लेवल 13 पर पहुँच चुका था, और अब मैं डायमंड तक की कोई भी चीज़ अपने हाथों से आसानी से तोड़ सकता था। फिर मुझे काम करना था दुश्मन को अपना बनाने का, मतलब कि क्रीपर को फटने से रोकना था। लेकिन उससे पहले मैं वहाँ से कुछ ऑब्सीडियन तोड़ लेता हूँ, और वही विलेज में एक पोर्टल बना के उसे लाइट अप कर देता हूँ, क्योंकि अब अगली कुछ परीक्षा और कठिन आने वाली थी। फिर जैसे ही रात होती है, मैं क्रीपर के पास जाता हूँ और उसके सर पर अपना हाथ रखता हूँ। पहले तो वो शांत नहीं होता है, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसके पास जाके अपना हाथ रखता हूँ, वो शांत हो जाता है। लेकिन वहाँ और लोग थे जो मुझ पर भड़क जाते हैं, तो मैं वहाँ से दूर आ जाता हूँ। अगली सुबह मुझे नेदर में जाना था हिप्नोटाइज की क्लास सीखने, लेकिन उससे पहले मुझे शील्ड बनानी थी। चाहे कितना भी फायर रेजिस्टेंस मिल जाए, ब्लेस से तो शील्ड ही बचाती है। शील्ड लेके मैं निकल जाता हूँ एक और नए खतरे का सामना करने। नेदर में एक ठीक ठाक जगह पे स्पॉन होता हूँ, लेकिन मुझे जाना था फोर्ट्रेस में, क्योंकि ये कला वही सिखाई जाती है। मैं जैसे तैसे करके फोर्ट्रेस के पास पहुँचता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही ब्लेस का ऑटो चालू हो गया। एक बार तो मैं मरते मरते बचता हूँ, लेकिन जैसे तैसे करके पहुँच ही जाता हूँ फोर्ट्रेस में। फोर्ट्रेस में आने के बाद मुझे इन काले कंकालों की आंखों में देखना था, और मुझे धीरे धीरे हिप्नोटाइज की पावर मिल रही थी। जैसे ये कला मैं सीख जाता हूँ, उसके बाद सिर्फ आंखों से ही मैं इन सबको मार सकता था। हिप्नोटाइज की कला लेने के बाद मैं कुछ ब्लेज को मारता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लेज रोड चाहिए थी, और इन काले कंकालों को भी मारता हूँ, क्योंकि उनकी खोपड़ी चाहिए थी। मुझे पता नहीं मेरे पास कोई स्पेशल पावर थी या क्या, पर ये लोग बहुत जल्दी जल्दी अपनी खोपड़ी ड्रॉप कर रहे थे। मुझे बहुत ही जल्दी 3 स्कल मिल जाते हैं, तो वो लेके मैं ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आके एक चेस बनाता हूँ, और अपना सारा सामान उसमें शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगला लेवल अनलॉक करने के लिए मुझे ऐसा काम करना था जिसे सुनते ही मैं डर गया था। मुझे 50 ब्लॉक ऊपर से नीचे जंप करना था। मुझे लगा था मेरा ये आखिरी दिन है, बहुत डर का माहौल था। लेकिन जैसे ही मैं जंप करके नीचे आया, मैं मॉन्क लेवल 16 पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से मुझे फॉलिंग डैमेज कम मिलेगा, और इसका फ़ायदा भी हुआ था। और वो क्या था, वो तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। ये सब होने के बाद अब मैं मोस्ट पावरफुल मॉन्क बनने के बहुत नज़दीक था। मुझे अब नेदराइट का पावर लेना था, और उसके लिए मुझे बेडरॉक जी का आशीर्वाद लेना था। मैं बेडरॉक तक पूरा डिग कर लेता हूँ, और बेड लगा के रात होने का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे बेडरॉक जी का आशीर्वाद मिलेगा, मैं नेदराइट जितना पावरफुल बन जाऊँगा।
रात होते ही मैं बेडरॉक जी का आशीर्वाद लेके सो जाता हूँ। जैसे ही सुबह उठता हूँ तो मेरा मॉन्क लेवल 17 हो चुका था, लेकिन साथ ही साथ मुझे ब्लाइंडनेस की भी इफेक्ट मिल गई थी। मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जल्दी से बाहर आता हूँ, लेकिन बाहर भी मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और यही थी मेरी अगली परीक्षा। मुझे 5 बदमाश मानुसों को मारना था इतने अंधेरे में। मैं वहीं आसपास घूमता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि चलते चलते कोई गड्ढे में गिर जाऊँ। फिर जैसे ही रात होती है तो रात को तो माहौल और डरावना हो जाता है। धीरे धीरे सब लोगों की आवाज़ आने लगी। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, बस आवाज़ सुन के समझ रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं। फिर पहले स्पाइडर दिखता है तो उसको मारता हूँ, फिर दूसरा ये नमूना दिखता है तो उसे भी मार देता हूँ, और जैसे ही 5वें को मारता हूँ मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी टोली जमा हुई पड़ी थी, तो मैं जल्दी से वहाँ से दूर निकल जाता हूँ। अब बस 2 कार्य करने थे, लेकिन ऐसे थे कि जरा से भी गड़बड़ और मेरी मौत पक्की। मुझे विदर को अपने हाथों से मारना था, सिर्फ हाथों से। मैं केव में आता हूँ और विदर को स्पॉन कराने की प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, और आखिरी स्कल लगाते ही फाइट शुरू हो जाती है। विदर को हाथों से मारना इजी नहीं होने वाला था, और कभी कभी तो मैं पास ही नहीं पहुंच सकता था, उससे पहले ही मुझे वापस आना पड़ता था। फिर मैंने एक चीज करना शुरू किया कि थोड़ा डैमेज करता और वापस आ जाता, और ये काम भी कर रहा था। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब मैं विदर को मार देता हूँ और मैं पहुंच जाता हूँ मॉन्क लेवल 19 पर। अब मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या जादू टोना काम नहीं करेगा। अब मैं मोस्ट पावरफुल मॉन्क बनने के बहुत करीब था, और उसके लिए एक आखिरी कार्य बाकी था जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे वॉइड में जाके गिरना था, और गिरने से मैं अमर हो जाऊंगा। वॉइड में जाने से पहले बता दूं कि ये सारी बातें काल्पनिक है, आगे का समझ गए ना, ये सिर्फ गेम है, ठीक है। वॉइड के लिए मुझे जाना था एंड में, और एंड में जाने के लिए मुझे चाहिए थे एंडर पर्ल। तो जैसे ही रात होती है मैं निकलता हूँ एंडरमैन को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में ही मैं गड्ढे में गिर जाता हूँ, और उसी टाइम मुझे मेरी ताकत का अंदाजा हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वहां से बाहर आता हूं और बहुत सारे एंडरमैन को मारता हूं। फिर एंडर पर्ल से आई ऑफ एंडर बनाता हूँ और निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। पानी पर चलने की पावर की वजह से मेरी ट्रैवलिंग स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी थी। फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँच जाता हूँ, पर यह स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी भूलभुलैया से कम नहीं था। कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बहुत गोल गोल घूमने के बाद फाइनली मुझे एंड पोर्टल मिल जाता है। मैं एंड पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ और आ जाता हूँ एंड की दुनिया में। एंड में आते ही मेरे सामने ड्रैगन था, पर मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं था। मैं उसे नहीं जानता था, ठीक है। मुझे बस वॉइड में गिरना था, लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि आज तक कोई भी बचा नहीं था वॉइड में गिर के। मैं फाइनली कूद जाता हूँ, और गिरते गिरते मेरी हेल्थ जा रही थी। फिर अचानक मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आने लगी। यहीं से सब शुरू हुआ है। इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हाउ डिड इट बिगिन, हाउ विल इट ऑल एंड, और भी बहुत कुछ। और थोड़ी देर बाद मैं सीधा ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ, और अब मैं बहुत पावरफुल बन चुका था। मेरे पास उड़ने की भी पावर आ गई थी। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, दूसरी दुनिया में जाके उस बॉस को मारना जिसने इस दुनिया को परेशान करके रखा था। मैं उस दुनिया में जाने के लिए निकलता हूँ, और यहाँ पर ये वॉचमैन को मार के 4 अलग अलग पीसेस लेने थे। मैं वहाँ उसको मार के 4 पीसेस ले लेता हूँ और उस जगह पे लगा देता हूँ। और जैसे ही सारे पीसेस मिल गए, वहाँ चारों ओर से एक एनर्जी इकट्ठा होने लगी, और वहाँ से मुझे कुछ मिला, उसे लेके मैं दूर आता और उसकी मदद से पोर्टल बना लेता हूँ। और अब टाइम आ गया था एक खतरनाक दुनिया में जाने का, लेकिन उससे पहले मैं अपनी हेल्थ फुल कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ इस दुनिया का कोई भी खाना नहीं खा सकते। फिर जैसे ही मैं उस दुनिया में जाता हूँ, मुझे अचानक चक्कर आने लगे। पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ी देर बाद मैं उस पोर्टल से बाहर आता हूँ, और वहाँ के हाल कुछ ज़्यादा ही डरावने थे। अजीबोगरीब स्ट्रक्चर, डरावनी आवाज़ें, आसमान फटा हुआ। इतना तो साफ था कि इस डरावनी दुनिया में कोई फ्रेंडली क्रिएचर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। किसी के भी पास जाता था वो बस मारने ही आ रहे थे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि यहाँ खाना आराम से मिल जाता था। वो चेस्ट बंद करता ही कि मेरे पर एरोस की बारिश होने लग गई, और फिर एक अजीब सा मॉब मेरे आसपास घूमने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस आगे ही जा रहा था। फिर मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ और मार भी देता हूँ। काफ़ी अजीब दुनिया थी ये। फिर मैं उस बॉस का ठिकाना ढूंढ ही रहा था कि मैं एक टावर के पास आ जाता हूँ। जैसे ही नज़दीक जाता हूँ मैं अपने आप अंदर चला जाता हूँ, और पता नहीं किसी मॉब ने मुझ पर अटैक कर लिया, लेकिन उसे तो मार देता हूँ और जैसे तैसे करके बाहर आ जाता हूँ। फाइनली मुझे स्लजियन टावर मिल जाता है, लेकिन उससे पहले एक चेस में से मुझे खाने का सामान और थोड़ी बहुत काम की चीज़ें मिलती है। वो सब लेके टावर पर पहुँचता हूँ। उस टावर पर 4 कोनों में आग लगा के मुझे पावर जनरेट करना था।
मुझे इतना तो पता चल गया था कि जैसे ही पावर जनरेट होगा कुछ ना कुछ होगा, इसलिए जैसे ही आखिरी जगह पे आग लगाई मैं वहां से दूर हट गया। पावर जनरेट होते ही वहां से बहुत अजीब मॉब्स निकले, तो एक एक करके दूर से ही मारने लग जाता हूँ। अब सिर्फ इनको मारने से काम नहीं होने वाला था, यहाँ पर यह पजल भी सॉल्व करना था। वो पावर बार गेट पर लाना था, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ऊपर से यह कीड़े मकोड़े का अलग ही कुछ चल रहा था। ये पावर को सही जगह लाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भाग दौड़ करने के बाद फाइनली लाइट बाहर आ जाती है। लाइट के बाहर आने के बाद बस दरवाजे पर पहुँचानी थी। जैसे ही लाइट दरवाजे पर जाती है दरवाज़ा खुल जाता है, और ये सिर्फ दरवाज़ा खुला था, अभी तो कुछ लेवल क्रॉस करने थे, उसके बाद बॉस सामने आने वाला था और हर लेवल पर खतरा ही खतरा। मैं नीचे जाता हूँ और जाते ही मेरा स्वागत कुछ कीड़े करते हैं। इनका डैमेज इतना ज़्यादा नहीं था, पर एक साथ अगर बहुत आ जाए तब दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे हाथों में भी ज़्यादा पावर थी तो आराम से मर जाते हैं। यहाँ पर हर दरवाजे के पीछे एक पैटर्न थी जिससे अगला दरवाज़ा खुल सके, बस वो याद रखनी होती थी। जैसे ही पैटर्न डालो नेक्स्ट डोर ओपन हो जाता। कुछ जगह पर तो ऐसे जानवर मिलते थे जो दूर से ही मुझे खींच लेते थे, पर मैं भी एक पावरफुल मॉन्क था, अगर इन सब से मरने लगा तो यहाँ तक पहुँचता भी नहीं। अरे कुछ कुछ तो ऐसे थे जो सीधा मेरा हार्ट कम कर देते थे, हालांकि थोड़े टाइम बाद अपने आप वापस भी आ जाते थे। एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पर चेस्ट में बहुत सारा सामान मिल जाता था, चाहे वो खाने का हो या मारने का, सब मिल जाता था। लेकिन जानवर भी बहुत अजीब अजीब आते थे, कभी कोई उड़ने वाला, कभी तो किसी की पूंछ जमीन में से निकल रही थी। लेकिन इन सब के बाद भी सबको मार के मैं आखिरी जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर बॉस आने वाला था। यस, अभी तक बॉस आया नहीं था, उसको भी लाना था। ये जो लटक रहा था ना उसे नीचे लाना था, और आसान तो ये भी नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही इसको तोड़ने जाओगे पीछे से बहुत लोग मारने भी वाले थे। और इसके अलावा भी ये थोड़ा नीचे आ गया और थोड़ा समय वेस्ट हो गया तो ये अपने आप ऊपर भी चला जाएगा, तो मैं इसे बहुत ध्यान से बच बच के तोड़ने लग जाता हूँ। इन लोगों का डैमेज भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन एक साथ पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि बस मौत आ गई। जैसा तैसा करके बहुत नीचे तक लेकर आता हूँ, और अब थोड़ा आसान हो गया था। शायद अगर मेरे पास उड़ने की पावर ना होती तो मैं ये भी ना कर पाता। थोड़े टाइम बाद आखिरकार इसे तोड़ देता हूँ, और तब जाके आता है यहाँ का बॉस। लेकिन ये सिर्फ अकेला नहीं आता है, साथ में लाता है अपने साथ बहुत गंदे गंदे कीड़े। तो पहले तो मैं इन कीड़ों को एक एक करके मारता हूँ और फिर जाता हूँ उस बॉस को मारने। एंड हियर फाइट बिगिंस। फाइनली स्लज का खात्मा हो जाता है और इसके जंगली कीड़े मकोड़े भी धीरे धीरे करके मर जाते हैं। इसको मारने के लिए कितने अलग अलग तरीके के खतरों का सामना करना पड़ा था, पर इसको जड़ मूड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। फिर मैं ओवल में आता हूँ और सब लोग मुझे देख के खुश हो गए थे, लेकिन मैं इसलिए खुश था कि अब ये लोग चैन से रह सकेंगे, कोई इन्हें परेशान नहीं करेगा। फिर मैं अपना पूरा जीवन उसी गाँव में उन लोगों को शिक्षा देने में और उन लोगों की सेवा में बिता देता हूँ।